अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कहने के बावजूद जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता और उनकी टीम के रिपीटेड एश्योरेंसेस के बावजूद जम्मू कश्मीर की सरकार ने 31 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न जो है 31 जुलाई 2023 से पहले पहले भरनी है। और प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न को लेकर बहुत सारी बातें भी की गई थी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हो चुकी है और बहुत सारे रिलीफ जो हैं वो आम लोगों को मिलने जा रहे हैं। और ये भी कहा गया था कि प्रॉपर्टी टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो तब्दील कर दी गई हैं, पहले 5 स्लैब्स थी अब शायद 3 स्लैब्स होंगी। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि जो वैकेंट स्पेसेस हैं वैकेंट स्पेसेस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये भी कहा गया था कि जो दुकानदार हैं दुकानदारों को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन रिलीफ को लेकर या प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो डॉक्यूमेंट जो नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जारी की थी उस नोटिफिकेशन में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि एक नई नोटिफिकेशन निकाल कर जिस पर नए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं प्रशांत गोयल उनके दस्तखत हैं, उस नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपको 31 जुलाई 2023 से पहले पहले प्रॉपर्टी टैक्स की अपनी रिटर्न जो है भरनी है। यानी आपको अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट जल्द से जल्द करानी है, आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी असेसमेंट भी करानी है, आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनकी असेसमेंट भी करानी है। और असेसमेंट कराने के बाद जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना है। प्रॉपर्टी टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई कर्मचारी आपके घर नहीं आएगा, ना आपसे कोई पूछताछ होगी उसको लेकर कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स का रिटर्न भरा है या नहीं भरा है। जैसे इनकम टैक्स के मामले में होता है कि रैंडम किसी भी वक्त जो है इनकम टैक्स विभाग को शिकायत मिले या इनकम टैक्स विभाग के पास अगर कोई डाटा अपना होता है जिस डाटा के बिना पर उनको यह लगता है कि फलां जगह पर इनकम टैक्स की जो कॉम्पिटिशन हुई है जो इनकम टैक्स कॉम्प्यूट किया गया है या जो इनकम टैक्स पे किया गया है वो कम है उसको लेकर वो छापेमारी करते हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स की तरह ही प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के पास ये ताकत है कि जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे हैं या जो जिन लोगों की प्रॉपर्टी टैक्स मैंडेटरी है वो लोग मैंडेटरी होने के बावजूद अगर प्रॉपर्टी टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं तो किसी भी समय जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें आएंगी, रैंडमली अलग अलग मकानों को वो चुनेंगी और उसके बाद जाकर एरिया माप सकती हैं, उसके बाद जाकर आपसे पूछ सकती हैं कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स का रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो 31 मई की बात की गई थी कि उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना होगा और जिस समय इसका नोटिफिकेशन मार्च में निकला उस समय भी कहा गया कि जी प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको लेकर हंगामा हुआ। फिर उसके बाद जब सरकार ने कहा कि नहीं इस पर आप अपने विचार दीजिए हम आपको सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी प्रॉपर्टी टैक्स की इम्पोजिशन को टाल दिया गया है क्योंकि जबरदस्त प्रेशर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के ऊपर। तो जब मैंने इसकी भी हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो पता ये चला कि प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न आप इसलिए अभी तक नहीं भर रहे थे, उसका कारण ये नहीं कि कोई असमंजस की स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे या लेफ्टिनेंट गवर्नर की शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये लग रहा था कि जी नहीं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हमको कोई रिव्यू करना चाहिए। कोई मसला रिव्यू का नहीं था, असल दिक्कत ये थी कि प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी करने के बाद और 1 अप्रैल से ये कहने के बाद कि आपको पहली जो किस्त है वो मई के 31 मई से पहले पहले देनी है, वो सब कुछ कहने के बाद जब जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी तैयारी को देखा तो उन्हें पता चला कि ना ही उन्होंने वेबसाइट तैयार की थी प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए और ना मोबाइल एप्लीकेशन तैयार थी प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ना मोबाइल एप्लीकेशन ना वेबसाइट और दूसरी तरफ कहा गया कि ये जी प्रॉपर्टी टैक्स आप जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। और उस वक्त भी आपको याद होगा जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं राहुल यादव उन्होंने उस समय भी कहा था कि अगर लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं तो वो बाय हैंड मैनुअल आकर प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, कोई उनको मैनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भरने से रोकेगा नहीं। यानी उन्होंने उस समय भी साफ किया था कि आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को भरने के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको रोकेगा कोई नहीं, लेकिन ऑनलाइन आप नहीं भर पाएंगे। तो ऑनलाइन सुविधा चूंकि उपलब्ध नहीं थी इसी के चलते इतनी देर हो गई, क्योंकि ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने का मतलब क्या। और यह भी सुन लें कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ जम्मू और श्रीनगर शहरों में, दो ही शहरों में लोगों ने भरना है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ,
सांबा, कठुआ और कश्मीर के 10 के 10 जिले, जम्मू के 10 के 10 जिले, सारे जिलों में म्युनिसिपल कमिटीज में, म्युनिसिपल काउंसिल्स में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तीनों जगह पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स अब देना होगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी का तखमीना लगवाना होगा और प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई 2023 से पहले भरना होगा। और मेरी जानकारी के मुताबिक जिस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, वो मोबाइल एप्लीकेशन एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी और चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मोबाइल एप्लीकेशन का उसके बाद उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के फौरन बाद जो है आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। इसको लेकर जब मैंने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से पूछा कि अगर अभी कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहता है तो क्या करे, तो उन्होंने कहा कि मैनुअल यानी आप बाय हैंड आकर प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं क्योंकि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट अभी रेडी नहीं हुई है। तो दिक्कत असल में यही थी, यानी मार्च के महीने के बाद जो आपको लगा कि दो महीने सरकार बिल्कुल खामोश रही, वो किसी डर के चलते या किसी बड़े राजनीतिक दल के दबाव के चलते या बीजेपी के नेताओं ने कह दिया था सरकार को, तो उसके चलते सरकार ने कहा कि नहीं जी हम अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीकत असल में यह है कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन तो निकाल दी थी मगर ना उनकी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार थी ना उनकी वेबसाइट तैयार थी। मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग अब कहेंगे जी मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार करने में 2 महीने क्यों लग गए। यह भी आपको समझना होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन को तैयार करने में 2 महीने इसलिए लग गए क्योंकि जितनी भी म्युनिसिपल कमेटियां और म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं सभी को इंटीग्रेट करना है एक ही सेटअप के साथ। उस इंटीग्रेशन के बाद उसकी टेस्टिंग होनी है, तो अलग अलग कमिटीज में, काउंसिल्स में, कॉरपोरेशन में टेस्टिंग भी इस समय चल रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट है उसके ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोग इनकम टैक्स अपना भरते हैं, तो इनकम टैक्स भरते समय मान लीजिए आपकी वेबसाइट के अंदर मामूली से टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो कितने सारे लोगों का डाटा, कितने सारे लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं भी जा सकती है। और दूसरा यह कि अगर वेबसाइट डाउन हो जाती है तो लोग टाइम पर टैक्स नहीं भर पाएंगे, वो भी एक परेशानी होगी। उसके बाद जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड लोग शेयर करने वाले हैं, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में, आप अपनी जमीन का, आप अपने मकान का, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ शेयर करने जा रहे हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जाने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, उसको लेकर इतनी वाइब्रेंट और इतनी बड़ी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की जरूरत थी जिस मोबाइल एप्लीकेशन में सारा डाटा जो है जमा हो जाए और गवर्नमेंट को भी एसेस करने में आसानी हो और लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स भरने में आसानी हो। आप जानते हैं, आपके सामने एक मिसाल भी है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट, उस वेबसाइट के ऊपर जब भी कभी रिजल्ट निकलते हैं और एक साथ 10,000 बच्चा भी अगर लॉग इन करता है और अपना रिजल्ट देखने की कोशिश करता है तो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर इस तरह की कोई दिक्कत ज्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन बड़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जब उन पर एक साथ लोग लॉगिन करते हैं तो वो क्रैश हो जाती हैं और उसके बाद जब तक वो वापस दोबारा से फंक्शनल हो जाएं तब तक परेशानी आती है। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने में लगी है, मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, इस समय टेस्टिंग मोड में है, लेकिन नोटिफिकेशन 31 मई को निकालकर, 31 मई को नोटिफिकेशन निकाला क्यों गया ये भी आपको मैं बताऊं, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि जब आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटियों के कानून को पढ़ते हैं उस कानून में पहली किस्त यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट है वो आपको 31 मई तक भरनी थी, तो 31 मई तक तो चूंकि आपने इंस्टॉलमेंट भरी नहीं तो जाहिर सी बात है वो पेंडिंग में आ जाती और आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट भरते वक्त परेशानी होती, तो इसलिए नोटिफिकेशन निकालकर इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई तक, जुलाई 31 तक अब आप अपनी जो है प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न को भरने के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो गई है। तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को अब प्रॉपर्टी टैक्स भरना उनके लिए मैंडेटरी है। किसी कारोबारी संगठन या बाकी जितने भी संगठन थे उनने जो सुझाव दिए हैं, क्या उन सुझावों पर सरकार ने कोई एक्सरसाइज की है उसका पता तब चलेगा जब अगर संशोधित यानी एमेंडेड कोई ड्राफ्ट निकलता है इसी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। तो फिलहाल खबर यही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 31 जुलाई 2023 तक अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की पहली रिटर्न भरनी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैंडेटरी हो गई है।